बाड़मेर शहर के रहवासी इलाके में नॉनवेज का ढाबा खोलकर शराब परोसने के मामले पर लोगों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। मामला महावीर नगर के वार्ड संख्या 40 का है। यहां सिंधी धर्मशाला के पास की गली में बाबा रामदेव मंदिर और शिव मंदिर है। इसी गली में धन्ना मल ने अपने मकान को किराए पर दे रखा है। आसपास के लोगों का आरोप है कि किराएदार ने इस आवासीय घर में नॉनवेज का ढाबा खोल दिया है, जहां दिन भर शराबियों की आवाजाही रहती है, जिससे आसपास के इलाके का माहौल खराब हो रहा है। लोगों का आरोप है कि मामले की शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ जहां लोगों ने यह आरोप लगाया है कि शराबी यहां दिन भर हुड़दंग मचाते हैं और मदहोशी में झूमते नजर आते हैं, जिससे महिला और बच्चियों में असुरक्षा का आलम है। मौलवासियों ने साफ किया है कि जल्द से जल्द यहां से नॉनवेज का ढाबा नहीं हटाया जाता है तो प्रदर्शन बड़ा किया जाएगा। मेरा नाम जय कुमार है, मैं महावीर नगर में सिंधी धर्मशाला वाली गली में रहता हूं। मेरे मकान के पास में ही धनाराम सिंधी का किराए पे दिया हुआ मकान है, उसमें अवैध रूप से रिहायशी मकान में अवैध रूप से ढाबा चल रहा है, जहाँ नॉनवेज परोसा जाता है, शराब परोसी जाती है और दिन भर लोगों का जमावड़ा रहता है। इसलिए हमारा यहाँ रहना बहुत दूभर हो गया है, महिलाओं का बाहर निकलना दूभर हो गया है। सामने शिव मंदिर है, जा नहीं पाते हैं हम, पूरी गली हम परेशान हैं। हमने कल डिप्टी साहब के पास गए थे, खीम सिंह जी भाटी, उनको ज्ञापन देके आए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम वापस इकट्ठा हुए हैं, सब गली वाले वापस जा रहे हैं, उनको ये यहाँ से तुरंत हटवाया जाए। रवि सेवकानी नाम है, सिंधी युवा मंडल के अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 40 से। आज ये एक मैटर हुआ है, रामदेव जी की मंदिर गली, सिंधी धर्मशाला की गली है, उसके अंदर धन्नामल जी का मकान है, उन्होंने किराए पे दिया है। वो किराए पे नॉनवेज की यहाँ ढाबा खोल के बैठे हैं। जब से सामने शिव मंदिर है, उसके आगे गली में रामदेव जी का मंदिर है, जनता परेशान है, पड़ोस वाले परेशान हैं, सबको परेशान करके रखते हैं। रात को आते हैं लोग, शराबी आते हैं, परेशान होते हैं आस पड़ोस वाले। कल हमने उप अधीक्षक साहब खीम सिंह जी भाटी जी को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज सुबह हम फिर समाज पूरा इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे और इस मकान को खाली करवाना है हमको, कैसे बिगड़े। और हम प्रशासन को हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि हमारी मदद करें और हमको इस ढाबे से छुटकारा।